नमस्कार दोस्तों, ग्रीन किचन में आज हम गाजर का संभारा बनाएंगे। यह भी एक गुजराती रेसिपी है। ये संभारे को हम रोटी, सब्जी या कोई नमकीन के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम सलाद यूज करते हैं साइड में, ऐसे ही संभारा यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाजर का संभारा। इसके लिए मैंने दो गाजर को छील के अच्छी तरह वॉश कर लिए है। अब हम इसे पतली लंबी स्लाइस में कट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। कितनी लंबी स्लाइस करेंगे? इतनी। तो हम पहले तो इसके बीच में से टुकड़े करेंगे, बाद में से पतली लंबी स्लाइस तैयार करेंगे। देखिए, अब यहाँ कोई कोई गाजर में यहाँ पीला भाग रहता है। अगर ऐसा गाजर है तो हम ये पीला भाग निकाल लेंगे, इसमें नहीं है। देखो, तो हम पूरे पूरे गाजर को ऐसे स्लाइस में कट कर लेंगे। पीला भाग होता है, थोड़ा कड़वा रहता है, इसे डालने से संभारा का टेस्ट खराब हो सकता है। देखो, थोड़ा सा पीला इसमें भी है, तो हम निकाल लेंगे। इस तरह सभी टुकड़ों की पतली लंबी स्लाइस तैयार कर लेंगे। दोनों गाजर की पतली लंबी स्लाइस हमने तैयार कर ली है। अब हरी मिर्च की स्लाइस तैयार करेंगे। गाजर का संभारा बनाने के लिए हमने ऐसी लंबी पतली वाली दो गाजर में हमने 8-10 हरी मिर्च ली है। अब हम इसी भी लंबी पतली स्लाइस तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेंगे कि सीट काले नहीं है ना। अगर सीट काले है तो निकाल लेंगे। अगर आप सीट लेना नहीं चाहते हैं तो इस तरह इसे निकाल दे सकते हैं। चाकू को उल्टा करेंगे और इस तरह सीट को अलग कर सकते हैं। तो संभारा कम तीखा बनेगा। अगर आप ज्यादा तीखा लेना चाहते हैं तो और ज्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं और सीट न निकालें और इसे बीच में से काट लेंगे ताकि वो पतली लंबी स्लाइस बने। हमने गाजर और मिर्च की स्लाइस तैयार कर ली है। तो चलो बनाते हैं संभारा। अब हम 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच सरसों डालेंगे। इसे हम क्रेकल होने देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और जो स्लाइस की हुई है गाजर मिर्च की वो डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह चला लेंगे। अब हम एक के बाद एक मसाले डाल देंगे। नमक स्वाद के हिसाब से 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर। बस इसमें कम ही मसाले रहते हैं, सिर्फ नमक और हल्दी ही रहती है। लेकिन आप चाहे तो थोड़ा धनिया पाउडर वगैरह डाल सकते हैं। कोई कोई तो मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 चम्मच शुगर भी डालते हैं, लेकिन ऑथेंटिक में शुगर नहीं रहती है। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। वैसे तो संभारा अपने आप ही पक जाता है ऐसे मीडियम फ्लेम में, लेकिन जल्दी पकाना हो और संभारा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, एकदम कड़क नहीं होता है, जिसे हम बाइट करके भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इतना और इतना भी सॉफ्ट नहीं कि हम इसे उठा के बाइट नहीं कर सकते। तो इस तरह संभारे को पकाना होता है। तो जल्दी पकाएंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए। तो इसके लिए कि हम क्या करेंगे, 1-2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे। 1 मिनट हो गई है। अब हम संभारा चेक कर लेंगे।
देखो अच्छी तरह पक चुका है इस तरह। अब हम गैस बंद करेंगे और ये एक नींबू का रस है वो लास्ट में डाल देंगे। तो बन चुका है गाजर का सांभर। तो तैयार है गाजर का सांभर। आप भी गाजर का सांभर बनाइए और खाइए। आपको ये सांभर कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सिर्फ ग्रीन किचन में।